देखिए स्टूडेंट, मोशन इन प्लेन चैप्टर नंबर 3, उसका आखिरी टॉपिक थ्योरी का जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए 11th क्लास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चैप्टर 3 में दिया हुआ है, और आगे चल के आप जब पढ़ेंगे 12th क्लास में, वह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन की हेडिंग में दिया गया है। एक्चुअलिटी में ये टॉपिक में आपको थोड़ा ही पढ़ना है, बाकी जो डिटेल के डिस्कशन है वो 12th वाले पार्ट में दिए गए हैं। तो आइए पहले समझेंगे हम क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखो, हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके एग्जांपल सीखेंगे, उसके कौन कौन से पैरामीटर हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये हम सीखेंगे। सर्कुलर मोशन बेसिकली किसका पार्ट होता है, डू यू नो, की एक हेडिंग है जिसको आपको पढ़ना है और इसको हम डिस्कस भी करेंगे। सर्कुलर मोशन करते समय रेडियस वेक्टर, टाइम पीरियड, एंगुलर स्पीड, ये क्या क्या होते हैं, इनके टर्म्स किस तरह डिफाइन किए जाते हैं। आगे चल के हम सीखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पोजिशन वेक्टर का डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है, पोजिशन वेक्टर की मदद से। ये देखिए, पोजिशन वेक्टर मतलब रेडियस वेक्टर जो है पार्टिकल का, उसके बारे में। रेडियस वेक्टर के बाद हम आर वेक्टर की जो बात कर रहे हैं, रेडियस वेक्टर की मदद से हम वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे, वेलोसिटी वेक्टर की मदद से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन सीखने के बाद हम सीखेंगे कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होती है, और ये वो डेरिवेशन होगा, ये वो टॉपिक होगा जिसकी मदद से एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसका नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स समझने के बाद पूरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। मंदिर में घंटी आपने इस तरह से बजाई, पूरी घंटी को उठा के आपने इसे घुमाना चालू कर दिया, ऐसा घूमने लगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। डोरी लिया, पत्थर को बांधा, ऐसा घुमाना चालू कर दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, सॉरी, कोनिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम ये जो कि आपके सामने बताया गया इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसकी हम स्टडी करेंगे। इसके लिए हम टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालेंगे और उस पर छोटा सा एक क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको हम वर्कआउट करेंगे। आइएगा शुरुआत करते हैं किस तरह से पूरी की पूरी सर्कुलर मोशन को समझा जाए। देखिए, सर्कुलर मोशन क्या होता, क्या है सर्कुलर मोशन, कुछ एग्जांपल गौर कीजिएगा। हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन से पहले कि ये मोशंस को आप एनालाइज कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे हम क्या बता रहे हैं। बाय हैंड्स ऑफ क्लॉक आप जानते हैं 12, 3, 6, 9, यहां पर एक मच्छर को बिठा दीजिए टिप पर। अब वो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो मच्छर का मोशन किसके अलोंग होगा, बताओ। टिप पर आगे बढ़ा, यहां पर पहुंचा। मच्छर बेसिकली टिप पर बैठा हुआ है, जैसे जैसे घड़ी के कांटे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वो किस पाथ पर मोशन कर रहा है, बोलो किस पाथ पर मोशन कर रहा है। पहले टिप पर था तो यहां पर आया, फिर यहां पर आया। तो आखिर ये कहां पर मोशन कहां पे कर रहा है, बताओ ना। तो टिप पर अगर मच्छर बैठ जाए तो टिप के मोशन के साथ साथ इसका मोशन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर हो रहा है। कहां पर हो रहा है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर हो रहा है, ये बात पक्की है। दूसरा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हम बात करते हैं सन, सन के आसपास रिवॉल्व हो रही है अर्थ, अर्थ रिवॉल्व होते होते जब यहां से यहां चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ती है तो आप बताइए कौन से पाथ पर अर्थ मोशन करती हुई आ रही है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर, किस पर? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर। मतलब हम कहते हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, रिपीटिंग वंस अगेन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब भी कोई पार्टिकल अलोंग सर्कमफेरेंस के अलोंग मोशन परफॉर्म करता है उसकी इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं भाई? हमने केमिस्ट्री में भी 10th क्लास में सीखा हुआ है, 9th क्लास में, सेंटर पे न्यूक्लियस, आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, किसमें लगाएगा? सर्कुलर पाथ पे लगाएगा। सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक उनके टिप्स पर अगर कोई पार्टिकल हो तो उसकी मोशन कौन सी मोशन, तो ये मोशन भी सर्कुलर मोशन होगी। आप जानते हैं ब्रिज पर आप जब जाते हैं तो ब्रिज पर जाते वक्त आप अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की किसी आर्क पर ट्रेवल करते हैं। कोई रोड ऐसा होता है तब आप जा रहे होते हैं तब आप इस तरह से मोशन कर रहे होते हैं, कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। प्लैनेटरी मोशन कौन सा मोशन है? किसी पर्टिकुलर सन के अबाउट जो ऑल अदर प्लैनेट्स मूवमेंट कर रहे हैं वो कौन सा मोशन है? वो भी सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में फाइटर प्लेन, कई बार ऐसा होता है फाइटर प्लेन ऊपर से इस तरह जाता है वर्टिकल प्लेन पर मोशन कर रहा होता है, ये भी कौन सा मोशन है? तो ये भी सर्कुलर मोशन है।
सो मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. रिपीटिंग वंस अगेन, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड विच मोशन, सर्कुलर मोशन. अगर कोई पार्टिकल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग मोशन करता है तो उसकी इस मोशन को कौन सी मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे. सर्कुलर मोशन में एक प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कीजिए या एक बात को ऑब्जर्व कीजिए कि भाई मान लीजिए पार्टिकल ए से ट्रेवल करता हुआ बी पर आया तो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा. मान लो पार्टिकल ए से ट्रेवल करता आया बी पर गया, बी से सी पर गया, सेंटर पे कितना एंगल बना, सेंटर पे 180 डिग्री एंगल बना. पार्टिकल ए से ट्रेवल करता आया बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, बताओ सेंटर पे कितना एंगल बना, तो टोटल मिला के 270 डिग्री एंगल बना. हम बात कर रहे हैं पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल ए से आया बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, टोटल एंगल कितना बनाया, तो टोटल एंगल 360 डिग्री बनाया. अब जब 360 डिग्री एंगल बनाया मतलब जब पार्टिकल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे मोशन कर रहा होता है तब वो सेंटर पे भी कुछ एंगल सबस्टेंड कर रहा होता है. तो सेंटर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की मोशन एंगुलर मोशन है, सेंटर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की मोशन एंगुलर मोशन है. अब यहां नोटिस करना बेटा, मैंने माना पार्टिकल घूम कैसे रहा है, मैंने माना पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. अच्छा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंगल भी कैसा माना गया, एंटी क्लॉकवाइज माना गया. अगर सोचो पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमता, पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमता मतलब पार्टिकल की पोजीशन ए कह देता बी कह देता, यहां से यहां जाता सेंटर पे एंगल 90 बनता है. पार्टिकल ए से बी जाता बी से सी जाता सेंटर पे एंगल 180 डिग्री बनता. लेकिन ये एंगल कैसा होता, क्लॉकवाइज होता या एंटी क्लॉकवाइज होता, तो ये क्लॉकवाइज होता एंगल बराबर. सो एंगल के सेंस दो ही हो सकते हैं, एक हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा हो सकता है क्लॉकवाइज. तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोशन में हम ये कह सकते हैं सेंटर पे एंगल सबस्टेंड हो रहा होता है, इसलिए पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाता है. देखिए भाई पार्टिकल शुरुआत में था ए पर, ए से गया बी पर, सेंटर पे एंगल बनाया स्मॉल डेल्टा, कितने टाइम में, डेल्टा टाइम में, स्मॉल एंगल स्मॉल आर्क लेंथ डेल एस बराबर. ए से बी गया सेंटर पे स्मॉल एंगल बनाया. अच्छा एंगल इक्वल टू कितना होता है, तो आर अपॉन रेडियस होता है, आर अपॉन रेडियस, रेडियस आर है. डेल एस को लिख दिया आपने डेल थीटा इंटू आर, डेल थीटा इंटू आर. बेटा सर्कुलर मोशन में ये याद रखना सभी स्टूडेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जब डिटरमाइन करनी हो भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब डायरेक्शन डिटरमाइन करनी हो तो वेक्टर चैप्टर में भी बताया था यहां पर भी बता रहा हूं, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है या क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, दोनों बातें पॉसिबल है, या तो एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल है या क्लॉकवाइज पॉसिबल है. तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होते समय ध्यान रखना क्या होगा, अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में ले जाओ जिस डायरेक्शन में, अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में ले जाओ जिस डायरेक्शन में क्या पार्टिकल मोशन करता है. तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो सेंस ऑफ एंगल की डायरेक्शन को बताएगी, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को बताएगी. यहां देखो पार्टिकल कैसा जा रहा है, तो यहां पार्टिकल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पार्टिकल कैसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. यहां पार्टिकल कैसा जा रहा है, तो यहां देखो पार्टिकल क्लॉकवाइज जा रहा है. अच्छा जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज, थंब आउटसाइड, थंब कैसा है आउटसाइड, यहां तक सभी को क्लियर है, फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज थंब आउटसाइड मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आउटसाइड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है. और सोचिए ये अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो फिंगर्स की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर मान लो, तो थंब की डायरेक्शन इनवर्ड है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, ये बात हमेशा याद रखना बेटा. यहां पर स्क्रू रूल भी लगाया जा सकता है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में बताया नहीं गया, लेकिन आपको समझने के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है बताना. भाई राइट हैंडेड स्क्रू ले लो, अपने घर में देखा ही होगा आप लोगों ने स्क्रू, स्क्रू को घुमाना स्टार्ट करो, जब आप स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू कहां जाएगा, इनवर्ड जाएगा या आउटवर्ड जाएगा. भाई जब स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू इनवर्ड जाएगा बराबर है ना, क्लॉकवाइज घुमाओ तो इनवर्ट जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो बाहर की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ. तो सेंस ऑफ एंगल इस तरह से बताया जा सकता है. नाउ सेंस ऑफ एंगल समझने के बाद यहां पर एक टर्म और डिफाइंड होता है, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होता है सुनिएगा ध्यान से. मान लो ए से बी पर गया पार्टिकल, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, फाइनाइट टाइम इंटरवल में हुआ, वो कि जो कि आपके पास में डेल्टा टी है. तो फाइनाइट, देखो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी, एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन थी गिवन टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है,
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और अभी बता चुका हूं लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, टाइम लिमिट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एवरेज वैल्यू इज विल बी इंस्टेंटेनियस वैल्यू डी थीटा बाय डीटी। सो ओमेगा विल बी डी थीटा बाय डीटी। इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड विच वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी में एक बात नोटिस करना, इन एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये देखिए ए से बी गए, ए से बी जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं देख लीजिए। तो ए से बी आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अच्छा जब ए से बी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो डायरेक्शन आउटवर्ड है, बराबर है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अच्छा एंगल को मेजर किया जाएगा थीटा को रेडियन में या ऐसे मेजर किया जाएगा डिग्री में। तो याद रखिएगा जब वन साइकिल कंप्लीट होता है 90, 90, 180, 180, 270, 270, 360 डिग्री को लिखा जाता है 2 पाई रेडियन। ये बात जरूर याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 360 डिग्री को लिखा जाता है 2 पाई रेडियन। आइए समझते हैं, 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन लिखा जाता है तो 1 डिग्री को लिखा जाएगा कितना, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, बराबर। ओमेगा की यूनिट समझ लीजिए, ओमेगा क्या है, ओमेगा मैंने बता दिया इन जनरली डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यूनिट समझिएगा, एंगल की यूनिट रेडियन, टाइम की यूनिट सेकंड। सो ओमेगा दैट विल बिकम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है क्योंकि एंगल आर्क अपॉन रेडियस, इसका डायमेंशन चेक करो, इसका डायमेंशन एल, इसका डायमेंशन एल, एल एल कैंसिल हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ऐसा लिखा जा सकता है। और टाइम के लिए लिखेंगे आप एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन, ये आ जाता है आपके पास m0 l0 t की पावर माइनस वन, ठीक है ना। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड। अच्छा रेडियन पर सेकंड के अलावा भी कुछ यूनिट यूज की जाती है, उसमें कहा जाता है आरपीएम और कुछ यूनिट में आरपीएस भी कहा जाता है। आरपीएम का मतलब क्या है, आरपीएम को कहा जाता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। वापस सुन लेना, एक को कहा गया रिवॉल्यूशन पर मिनट और एक को कहा गया रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्या डिफरेंस है रिवॉल्यूशन पर मिनट और रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, समझते हैं। आप तो ये सोचिए कि वन रिवॉल्यूशन होता है तो कितना एंगल बनता है। भाई मैंने बोला कि अगर पार्टिकल ए से मोशन करता हुआ बी पर गया तो सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बना, सी पर गया 90 प्लस 90 180 बना, डी पर गया 90 बना 270 और लास्ट में आया 360 डिग्री। सो वन रिवॉल्यूशन सेंटर पे बनने वाला एंगल 360 डिग्री जिसे 2 पाई रेडियन कहा गया है, जिसे कितना रेडियन कहा गया है 2 पाई रेडियन कहा गया है, समझा। तो वन रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो वन रिवॉल्यूशन पर मिनट, अच्छा पर मिनट मतलब मिनट से डिवाइड कर दो, 2 पाई रेडियन अपॉन पर मिनट मतलब वन मिनट। अच्छा वन मिनट कितना सेकंड होता है तो 60 सेकंड रेडियन पर सेकंड। तो इससे आप लिख सकते हैं पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। सो वन आरपीएम कैन बी रिटर्न पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। अच्छा वन आरपीएस होता तो क्या करते हैं, वन रिवॉल्यूशन पर सेकंड, पर सेकंड वन रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन पर सेकंड मतलब डिवाइड बाय सेकंड, तो 2 पाई रेडियन, 1 आरपीएस इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। जैसे एग्जांपल मान लो आपको किसी ने कहा कि एक व्हील है, व्हील मतलब पहिया, वो 30 आरपीएम से मोशन कर रहा है और किसी ने कहा 60 आरपीएम से मोशन कर रहा है, तो बताइए इनकी रेडियन पर सेकंड में एंगुलर स्पीड कितनी हो। ओमेगा गिवन है 30 आरपीएम, 30 आरपीएम, आरपीएम 1 आरपीएम कितना है तो चेक करो, 1 आरपीएम है पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। इसे आपने लिख दिया पाई अपॉन 30, 30 से 30 कैंसिल तो ये आ गया पाई रेडियन पर सेकंड। 60 आरपीएम, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड तो ये आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकंड। जनरली इसे रेडियन पर सेकंड में एक्सप्रेस करना ही बेहतर होता है, वैसे ही हम आरपीएस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसकी डायरेक्शन हो गई, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गया, उसके बाद इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गया। एक क्वेश्चन और देख लो इसी में,
भाई मान लो थीटा है आपके पास 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, या 2t क्यूब ले लो, 3t स्क्वायर ले लो, 2t ले लो और बाद में 2 ले लो। अब थीटा गिवन है, थीटा से आपको क्या क्या निकालना है? थीटा से आपको निकालना है ओमेगा, आपको निकालना है ओमेगा टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पर, पहला क्वेश्चन। दूसरा निकालना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और ये किसके लिए निकालना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना है t1 इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर t2 इक्वल टू 5 सेकंड के बीच में। t1 इक्वल टू कितने सेकंड से लेकर? 2 सेकंड से लेकर। t2 इक्वल टू कितने सेकंड तक लेकर? 5 सेकंड तक लेकर आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले थीटा से ओमेगा कैसे निकाले? तो हम जानते हैं ओमेगा के डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। भाई जैसे लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हिच वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को लिखा जाता है थीटा बाय डीटी, डीएस बाय डीटी। तो ओमेगा दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, थीटा की वैल्यू कितनी है? 2t स्क्वायर माइनस 3t, 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ ओमेगा 2 डिफरेंशिएशन t की पावर क्यूब माइनस डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, डिफरेंशिएशन 2t एंड डिफरेंशिएशन 3, ये हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन t क्यूब, है ना। तो हम ऐसा समझेंगे इसे, डिफरेंशिएशन t की पावर n इक्वल टू लिख सकते हैं आप एन टी एन माइनस 1, डिफरेंशिएशन t क्यूब को आप लिख सकते हैं 3t3-1, डिफरेंशिएशन आप 3t स्क्वायर या t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो t स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2t2-1, डिफरेंशिएशन आप t की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 1t1-1। वैसे डिफरेंशिएशन आप कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 3 को क्या लिख सकते हैं? तो 0 आ जाएगा। ये आ गया 3t स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2t प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0। ओमेगा इक्वल टू आ गया 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2, और ये भी आ गया आपके पास में ओमेगा का वैल्यू। अच्छा ओमेगा आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं थीटा को यहीं पे लिख दे रहा हूं, थीटा अभी काम भी आएगा, 2t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, इससे हमने ओमेगा निकाल लिया। ओमेगा कितना निकला? 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2, हमने ओमेगा निकाल लिया। अब ओमेगा कितने टाइम पर चाहिए? 2 सेकंड पर चाहिए। तो ओमेगा चाहिए टाइम की 2 सेकंड वैल्यू पर, तो 6 इंटू टी के प्लेस पर 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 12 प्लस 2, 24 माइनस 12 प्लस 2 कितना आया? 12 प्लस 2 आया 14 मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, यहां पे रेडियन पर सेकंड से लिखा जा सकता है। ओमेगा का वैल्यू आ चुका है 14 रेडियन पर सेकंड। अब समझे बच्चों ध्यान से, ओमेगा आया 14 रेडियन पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी किसके टाइम में निकालना है? तो 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में निकालना है। आइए 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालें, उसके बाद और समझते जाएंगे क्वेश्चंस को। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी लिखा जा सकता है। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास अगर निकालना है हमें, तो हमें निकालना पड़ेगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t1। तो अब थीटा 1, थीटा की वैल्यू कितनी चेक करो, थीटा है आपके पास में 2t क्यूब, ये स्क्वायर नहीं था ये क्यूब था, माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। थीटा 1 टाइम की वैल्यू शुरुआत में कितने सेकंड हम बोल रहे हैं? 2 सेकंड हम बोल रहे हैं। तो 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, 8 टू जा 16 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 4 प्लस 2, ये आ जाता है 4 प्लस 4 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना आया? 10 रेडियन। ये आ चुका है पहला तो आपके पास में। एक बार फिर देख लीजिए हमने क्या किया, t की पावर क्यूब मतलब 2 क्यूब माइनस 3 टी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, 8 टू जा 16, 4 थ्री जा 12, 4 माइनस 16 माइनस 12 4 प्लस 4 प्लस 2, ये आ गया 10 रेडियन। बराबर है ना, आप समझना ध्यान से बच्चों, ये जो बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं निश्चित रूप से आपके टेक्स्ट बुक में दिए नहीं गई है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें बातें जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं।
आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी इसी टॉपिक के अंदर, इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब आ गया थीटा वन, थीटा वन आ चुका है, थीटा टू निकाल लेते हैं। थीटा टू निकालना है तो टू टी क्यूब माइनस थ्री टी टू टू टी स्क्वायर टू टी टू प्लस टू। तो हम बात करते हैं थीटा टू, तो टाइम कितना है, तो टाइम है 5 सेकंड पर निकालना है। तो निकाला 2 × 5 का क्यूब माइनस 3 × 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 प्लस 2 250 माइनस 75 प्लस 10 प्लस 2। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं माइनस 65, या कह लीजिए 50 चला गया, 200 में से 25 चला गया, 175 प्लस 185 रेडियन। आप चेक भी कर लीजिए लगे तो, है ना, 250 माइनस 75 मतलब 200 माइनस 25, 175 प्लस 10 185 प्लस 2 187 रेडियन। मतलब हमारे पास थीटा 2 आ गया 187, थीटा 1 आ गया कितना 10 रेडियन। अच्छा 5 सेकंड माइनस 3 सेकंड, 187 माइनस 7 तो 177 डिवाइड बाय कितना आ गया 2, तो 177 डिवाइड बाय 2 जो भी सॉल्व करेंगे रेडियन पर सेकंड आता है आपके पास में एवरेज वेलोसिटी। अच्छा हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके बाद सीख लिया एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद अब क्या सीखना है, हमें सीखना है कि आखिर टाइम इंटरवल जब फाइनाइट हो रहा होता है तो ओमेगा की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है और अल्फा क्या होता है। बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, ए से बी गया 90, इससे गया 180, 270 और 360। तो थीटा 360 डिग्री, और हम ये कह सकते हैं टाइम जो लगा, या कह लीजिए 360 डिग्री को आप 2 पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। अब समझना बेटा, कई बार किताबों में लिखा भी होता है, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, भाई ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए आया, तो क्या हुआ, जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हुआ, मतलब वन साइकिल कंप्लीट किया। कितने साइकिल कंप्लीट किया, वन साइकिल, और टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। रिपीटिंग वन सेकंड, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से आने में टाइम पीरियड लगा, जो भी टाइम लगा वो टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट 1/सेकंड। 1/सेकंड को कहते हैं सीपीएस, साइकिल पर सेकंड, और इसी को कहा जाता है हर्ट्ज, एचजेड। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड समझने के बाद, अगर वन साइकिल कंप्लीट करता है तो ओमेगा कितना निकलेगा, ओमेगा निकलेगा थीटा अपॉन टी। तो थीटा कितना हुआ, थीटा हुआ 2 पाई, वन साइकिल कंप्लीट किया टाइम पीरियड, तो ओमेगा कैन बी रिटर्न 2π/T रेडियन पर सेकंड। बेटा ये कब, जब ये वन साइकिल कंप्लीट कर रहा है तब एंगुलर वेलोसिटी ऐसी बताई गई। अच्छा आप समझना, 12, 3, 6, 9 और 12 बराबर। अब ये बताइएगा मुझे, सेकंड हैंड जो होगा 12 से 3 आएगा तो 15 सेकंड, 12 से 6 आएगा तो 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो सेकंड हैंड के लिए 2π/60 ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड ओमेगा की वैल्यू। मिनट हैंड की बात करते हैं, 12 से 3 आएगा 15 मिनट, 12 से 6 आएगा 30 मिनट, 45 मिनट 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 3600 सेकंड। तो मिनट हैंड के लिए आएगा 2π/3600 सेकंड विद रेडियन पर सेकंड। देखिए यहां पर हमने देखा ओमेगा किसके लिए, मिनट हैंड के लिए निकाला। अच्छा अगर मान लो आर हैंड की बात करते, 12 से 3 जाता तो 3 घंटे होते, 3 आवर्स, 3 टू 6 जाता तो कितना होता, 3 आवर्स, तो 12 टू 6 होता 6 आवर्स, 12 टू 12 होता 12 आवर्स, अच्छा 1 आवर होता 60 मिनट। टोटल मिला के आप वापस से लिखते हैं 12 × 60 × 60 सेकंड्स की हम बात कर रहे होते, बराबर है ना। तो ये आता था आपके पास में ओमेगा एम इक्वल टू 2π रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सॉल्व करने पर इस तरह से आंसर आता था। तो हमने ओमेगा निकाला 2π/T, 2π/T ये ओमेगा की वैल्यू निकल चुकी है। अब एक छोटी सी बात और समझे, इसमें लीनियर स्पीड के बारे में बात करते हैं। जब टोटल यहां से यहां से यहां से घूमता हुआ आएगा तो टोटल कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, वन साइकिल कंप्लीट करेगा, तो लीनियर डिस्टेंस होगी 2π/T। अब सोचो हमने क्या किया, अभी लिखा आपके सामने ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/T, अब हम क्या करते हैं 2π/T ये 2π/T लिख दिया। तो 2π/T को आप सिंपल लिख सकते हैं ओमेगा
सो ओमेगा को लिखा जा सकता है वी बाय आर, ठीक है ना। तो एक रिलेशन निकल कर आता है आपके पास में। तो अभी जितना सफिशियंट डिस्कशन है बोर्ड लेवल पर वो हम कर चुके हैं, ओमेगा के बारे में सीख लिया है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन समझना बेटा, हम गए ए से बी पर, सेंटर पे बना एंगल थीटा, बराबर है। तो जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल। याद करो, एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। वैसे यहां पर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल। अच्छा, इसके लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू जैसे कि हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाली थी, लिमिटिंग डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को हमने लिखा था डीवी बाय डीटी, जिसे इसे लिखा गया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वैसे लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी को लिख सकते हैं आप डी ओमेगा अपॉन डीटी, जिसे लिखा जाता है अल्फा, लेकिन अल्फा कौन सा वाला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, बराबर है। तो ये बात हम समझ चुके हैं। अब आइए टेक्स्ट बुक के मेन टॉपिक पर आते हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने सीखे हैं। मेन पॉइंट जो टेक्स्ट बुक में आपको यहां पर सीखने को मिलेगा वो ये पॉइंट है स्टूडेंट, जो आप देखेंगे बोर्ड पर, आपको पार्टिकल जब मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, ए पर है पार्टिकल इस समय वेलोसिटी इस तरफ, बी पर पार्टिकल घूमते हुए इस तरफ गया, बी पर वेलोसिटी इस तरफ। मान लो मैं बात करता हूं पार्टिकल जब ए से बी पर गया, मान लो पॉइंट पी पर गया बीच में कहीं पर, उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी आपको। भाई ये पार्टिकल पी एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, यहां से यहां तक आर, इसको ज्वाइन कर दिया रेडियस वेक्टर, ये सेंटर पे बनने वाला एंगल थीटा, बराबर। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एम आया, यहां से यहां तक एक्स, यहां से यहां तक वाई। अब मैं क्या कर देता हूं, इसे मान लेता हूं एक्स, इसे मान लेता हूं एक्स डैश, इसे मान लेता हूं वाई और इसे मान लेता हूं वाई डैश। मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, मैं निकालूंगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर से निकालूंगा वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर से निकालूंगा एक्सेलरेशन वेक्टर। मतलब मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इस टॉपिक में, मैं इस टॉपिक में चाहता हूं कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उसके पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन लिखो, उसके वेलोसिटी वेक्टर की इक्वेशन लिखो, उसके एक्सेलरेशन वेक्टर की इक्वेशन लिखो। और ये जो इक्वेशन आप लिख रहे हो, इस इक्वेशन को लिखने के बाद में इक्वेशन की मदद से बताओ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। मतलब पहले हम क्या करेंगे, हम इस पूरे टॉपिक में सीखेंगे, टॉपिक में ये सीखेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या है, फिर हम ये सीखेंगे वेलोसिटी वेक्टर क्या है, फिर हम ये सीखेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, बराबर। और इसकी मदद से हम सीखेंगे कि जो सर्कुलर मोशन दो टाइप के डिफाइन किए जाते हैं, बताए जाते हैं, एक बताया जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा बताया जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस इक्वेशन के आधार पर एनालाइज करेंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है और ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। जब पंखा चालू किया जाता है, पंखा स्टार्ट किया जाता है, फैन स्टार्ट किया जाता है, तब क्या होता है, पहले रेस्ट पर होता है, उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होती है, बढ़ते 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 एक फिक्स स्पीड अचीव कर लेती है, फिर वो घूमने लगता है। जब कॉन्स्टेंट स्पीड से घूमता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जब वेरिएबल स्पीड होती है, जब स्पीड बढ़ती है, और स्विच को बंद कर दीजिए, स्विच को बंद किया तो क्या होगा, स्विच को बंद करने के बाद क्या होगा, पंखा धीरे धीरे घूमेगा। तो वेलोसिटी वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। इस केस में वी कांस्टेंट होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा भी कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, ये हम सीखेंगे, बराबर। ओमेगा कांस्टेंट होता है, इस केस में ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है, ये बात हम सीखने वाले हैं। इस इक्वेशन की मदद से हम सीखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो रहा है। आइए पहले समझते हैं, सेंटर ओ, पार्टिकल पी मोशन करता हुआ ए से निकला, पॉइंट पी पे पहुंचा, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स, ये वाला वाई, ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ओपीएम, बताइएगा ट्राइंगल ओपीएम में क्या, ये रहा x, ये रहा y और ये रहा r,
ओ पी एम, ये रहा ओ एम, ये रहा पी एम, और ये रहा आपके पास में आर वेक्टर। ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर। कौन सा लॉ अप्लाई किया? ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया। ओ एम वेक्टर मतलब एक्स आई कैप वाई जे कैप इक्वल टू आर वेक्टर। पोजिशन वेक्टर आ गया आर, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब थोड़ा समझने पे ध्यान देना बच्चों, हमने बोला पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, सेंटर पे एंगल थीटा बनाया। पार्टिकल जो जा रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जा रहा है। मैं ओमेगा को कांस्टेंट अगर ले लेता हूं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और आपके सिलेबस में टॉपिक में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो मान लो मैंने ओमेगा कांस्टेंट ले लिया। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो हम ये देखो, ये x, ये y, ये r, x y r, बताना ध्यान से, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। cos थीटा क्या लिखोगे? cos थीटा लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस से x, हाइपोटेनियस से r, r इक्वल टू आ गया x इक्वल टू आ गया r cos थीटा। और बोलो थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी, आर कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना? तो एक्स आ गया आपके पास में आर कॉस ओमेगा टी। नाउ साइन थीटा लिखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर वाई, हाइपोटेनियस आर है, वाई अपॉन आर। तो वाई कितना आ गया आपके पास में? आर साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है? तो साइन ओमेगा टी है। सो वाई को लिखा जा सकता है आर साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक्स और वाई की वैल्यू को उठा के यहां पर पुटअप करो, एक्स को और वाई को पुटअप किया तो एक्स आ गया आर कॉस ओमेगा टी प्लस आई, आर साइन ओमेगा टी प्लस जे, एक्स और वाई आ गया। ठीक है ना? तो हमने क्या लिखा? अब हमने लिखा कुल मिला के पोजिशन वेक्टर आ चुका है हम लोगों के पास, आर वेक्टर इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, आर साइन ओमेगा टी जे कैप। आर वेक्टर इक्वल टू आर ब्रैकेट में बचा कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप। अच्छा बताना बच्चों ध्यान से, ये आ गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन पे गौर कीजिएगा भाई, पार्टिकल ए पर है तो पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, पी पर है तो पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, बी पर है तो पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, सी पर है तो पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, डी पर है तो पोजीशन वेक्टर इस तरफ है। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन सेंटर से बाहर की तरफ है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन सेंटर से कहां पर है? बाहर की तरफ है, बराबर है। अब डेफिनेशन याद करो वेलोसिटी की, वेलोसिटी को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो dr अपॉन dt, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन r की वैल्यू r cos ओमेगा t प्लस i sin ओमेगा t प्लस j, बराबर है। अब हमने r कॉमन निकाल लिया, डिफरेंशिएशन हम बात करें cos ओमेगा t प्लस i, डिफरेंशिएशन हम बात करें sin ओमेगा t प्लस j, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं पता है वो डिफरेंशिएशन जाके जरूर देखें, प्लेलिस्ट में बेसिक मैथमेटिकल टू में बताया गया है। और फिर भी मैं फॉर्मूला डिस्कस कर देना हूं, डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, भाई t का जो भी कोफिशियंट होगा बाहर आ जाएगा। सर एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लो डिफरेंशिएशन cos t होता तो t का कोफिशियंट क्या था? 2 था, तो माइनस 2 sin t, इसे आप लिख सकते थे माइनस 2 sin 2t। अच्छा, डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t को लिख सकते हैं आप sin ओमेगा t, sin ओमेगा t लिखेंगे तो आएगा ओमेगा cos ओमेगा t, बराबर ओमेगा cos ओमेगा t। तो आइए v को लिखते हैं, v बाहर आ गया, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा sin ओमेगा t प्लस i क्या, और sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस आई जे कैप वी। ठीक है ना बच्चों? आर इंटू ओमेगा, क्योंकि मैं ओमेगा कांस्टेंट मान रहा हूं। कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं? जिस सर्कुलर, जिस मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, जिस मोशन में वी स्पीड कांस्टेंट होती है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ओमेगा कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस आई कैप cos ओमेगा t प्लस j कैप, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। v इक्वल टू आ गया r ओमेगा, ठीक है, r इंटू ओमेगा, ओमेगा मैंने कांस्टेंट माना है, मतलब ओमेगा एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, और वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी, तो ये आ गया आपके पास वी आर ओमेगा कांस्टेंट निकला बाहर, डिफरेंशिएशन की हम बात करें तो अंदर आ गया माइनस साइन ओमेगा टी प्लस आई कैप कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप, ए आ गया आर ओमेगा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस आई कैप, डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप। अब समझना बच्चों ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं यहां पर हम, ए इक्वल टू प्लस आर ओमेगा, अच्छा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, तो माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिखा जा सकता है। अच्छा कॉस ओमेगा टी का कितना होता है तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू आर ओमेगा माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस आई कैप माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है ना। अब दोनों में से कॉमन क्या निकला, तो दोनों में से कॉमन निकल गया आपके पास में माइनस ओमेगा, दोनों में से माइनस ओमेगा कॉमन निकलेगा तो ए आएगा माइनस आर इंटू ओमेगा, अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, तो ए आ गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। याद दिला देता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। अब हुआ क्या, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर या ओमेगा इक्वल टू माइनस आर वेक्टर। अब समझो क्या मतलब है, ये जो था ना ये स्टार्टिंग में पोजीशन वेक्टर निकाला था, ये देखो पोजीशन वेक्टर, वेक्टर में आर मतलब मैग्नीट्यूड है, आर मतलब मैग्नीट्यूड है कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा हमारे पास में शुरुआत में जब पोजीशन वेक्टर था उसकी इक्वेशन, उससे हमने वेलोसिटी वेक्टर की इक्वेशन निकाली और वेलोसिटी वेक्टर की इक्वेशन निकालने के बाद एक्सेलरेशन वेक्टर की इक्वेशन निकाली। आइए डायग्राम समझिएगा, शुरुआत में पार्टिकल सर्कुलर मोशन आर वेक्टर पार्टिकल के लिए, ये रहा आर वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन निकली आर कॉस ओमेगा टी प्लस आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप। वेलोसिटी की बात करते हैं, पार्टिकल पी यहां से आर की बात की, अच्छा पार्टिकल पी आर की बात की, ए पोजीशन पर आर वेक्टर वेलोसिटी इस तरफ, बी पर जैसे पत्थर को घुमाओ ऐसा ऐसा घुमाओ, यहां पे छोड़ो तो ऊपर जाएगा, इधर छोड़ो तो इधर इस तरफ जाएगा, इस तरफ छोड़ो तो इस तरफ जाएगा और इस तरफ छोड़ो तो इस तरफ जाएगा, ए पर वी ए, ये आपके पास बी पर है वी बी, ये सी पर है ये VC और ये D पर है ये VD, A पर VA B पर VB C पर VC और D पर VC VD, बराबर है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और ये बात प्रूव भी की जा सकती है, कैसे प्रूव की जा सकती है, वेलोसिटी का जो वेक्टर आया था वो आया था R ओमेगा माइनस साइन ओमेगा T I कैप प्लस कॉस ओमेगा T J कैप। हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये R वेक्टर है और ये V वेक्टर है, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। अब ये देखो मान लो दो वेक्टर है आपके पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो डिफाइंड होता है वो कॉस थीटा ऐसा डिफाइंड होता है। अच्छा दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, मान लो ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा परपेंडिकुलर अगर हो तो आप बताना दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है तो जीरो आ जाएगा, दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी जीरो, मतलब रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो पक्का है कि दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो दोनों का कहना होगा कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो आपके पास में रेडियस वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर आर कॉस ओमेगा टी प्लस आई प्लस साइन ओमेगा टी प्लस जे। वेलोसिटी वेक्टर की बात करें आर ओमेगा, आर ओमेगा हम इसे कह सकते हैं माइनस साइन ओमेगा टी प्लस आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप, बराबर।
हम r वेक्टर डॉट b वेक्टर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। r स्क्वायर ओमेगा, अंदर लिखते हैं cos ओमेगा t i कैप sin ओमेगा t j कैप डॉट माइनस sin ओमेगा t प्लस i कैप और cos ओमेगा t प्लस j कैप। आप जानते ना, i से i का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 मिलेगा, तो माइनस cos ओमेगा t डॉट sin ओमेगा t i डॉट i 1, sin ओमेगा t cos ओमेगा t माइनस प्लस जीरो, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ चुका है। दोनों मतलब क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। अब ये समझ लिया, वेलोसिटी वेक्टर की बात हो गई। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में। भाई तीसरा डायग्राम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये हम बात कर रहे थे पॉइंट पी पर, आर वेक्टर ये था आपके पास में पोजिशन वेक्टर, बराबर। एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखो, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या थी, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। हमने इसको ऐसा लिखा था, ओमेगा स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन आर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, और इसको लिखा जा सकता आर वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, या ए वेक्टर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ऑफ माइनस आर वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसका नेगेटिव। भाई पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन थी बाहर की तरफ, ये पोजीशन वेक्टर है, उससे ऑपोजिट। नेगेटिव वेक्टर जब भी निकालते तो क्या करते हैं, नेगेटिव वेक्टर निकालते समय उस वेक्टर से ऑपोजिट हम बात कर रहे होते हैं। तो उस वेक्टर से ऑपोजिट देखो क्या हुआ, उस वेक्टर से ऑपोजिट ये होगा, ये जा रहा था ऐसा, हम बात करेंगे उससे ऑपोजिट मतलब अंदर की तरफ, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो पोजीशन वेक्टर आउटवर्ड, उससे अपोजिट मतलब ये कैसा, इनवर्ड। अच्छा, इनवर्ड को सिनोनियम, इनवर्ड का सिनोनियम एक और होता है जिसे कहते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर का एक और मीनिंग लिखा जाता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की, इसलिए इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वापस समझ लेना, पोजीशन वेक्टर था बाहर, वेलोसिटी है टेंजेंशियल, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट फिर भी क्या है, जीरो है, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन है माइनस ऑफ आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर से ऑपोजिट। पोजीशन वेक्टर है बाहर, बाहर से ऑपोजिट मतलब अंदर, भाई बाहर से ऑपोजिट मतलब अंदर, आउटसाइड से ऑपोजिट इनसाइड, प्लस आर माइनस आर, अंदर की तरफ इनवर्ड, अंदर की तरफ टुवर्ड द सेंटर, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल दैट मींस टुवर्ड द सेंटर, इस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, एट्थ क्लास नाइन्थ क्लास फोर्थ चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, या पत्थर है, मान लो पत्थर पर मैंने धक्का लगाया, ऐसा धक्का दिया, भाई ये एक्सेलरेट हुआ तो क्यों हुआ, सिंपल है, मैंने धक्का लगाया, धक्का लगाया मतलब फोर्स लगाया, तो अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, तो फोर्स इक्वल टू मास। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन को हमने कह दिया एसी, एसी को अभी आपके सामने बताया, वो था ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस आर वेक्टर, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस आर वेक्टर, अभी आप जानते हैं वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा से, ओमेगा वी बाय आर होता है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स इसे कहा जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और r वेक्टर को सिंपल लिख सकते हैं आप, r यूनिट क्या, r वेक्टर कैन बी रिटर्न, ठीक है ना, तो ये आ जाता है आपके पास में m ओमेगा स्क्वायर, और r है मैग्नीट्यूड, अगर लिखा जाए तो m r ओमेगा स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए m r ओमेगा स्क्वायर, m r ओमेगा के प्लेस पे v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा आपके पास एम वी स्क्वायर अपॉन r, और डायरेक्शन कहां पर होगी, डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन कहां पर होगी टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण सर्कुलर मोशन होता है, वापस सुनिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी कहां पर होगी टुवर्ड द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर को कहा गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो फोर्स को भी क्या कहा जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर। यहां तक उम्मीद करता हूं कि बात क्लियर होगी आप लोगों को। देखिए स्टूडेंट, बोर्ड पर टॉपिक को समझने के बाद हम समराइज करते हैं और टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
An object moving with constant speed along the circular path is said to be uniform circular motion. Speed constant होती है, omega constant होता है. Such motion is only possible if the velocity is always tangential to its circular path. मैंने अभी बताया था कि velocity जो होती वो tangential थी उस point पर और without change its magnitude, इसका magnitude बदल नहीं रहा था लगातार समय के साथ में. अब आइएगा circular motion पढ़ते समय हमें किन किन बातों की जरूरत होती है, तो हम ये अभी सीखे थे कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है. भाई कारण क्या, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, वेलोसिटी टेंजेंट, तो भी परपेंडिकुलर. उसके बाद डायरेक्ट एक्सेलरेशन जो होता है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होता है, इसीलिए हमने इसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन कहा था. देखिए एक्चुअलिटी में यह बात इसमें शुरू में बोली गई है, लेकिन वो प्रॉब्लम या जो डेरिवेशन है उसको समझने के बाद समझ में आता है कि टुवर्ड द सेंटर हम क्यों बोल रहे होते हैं. एंड द फोर्स कॉजिंग द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. मैंने बोला है, पहले भी बोला है इस वीडियो में, कि जिस फोर्स से सर्कुलर मोशन होती है उसे सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं. जो फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे सर्कुलर मोशन, उसे सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं. मतलब हमें सर्कुलर मोशन रियलाइज करने के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी, सेंट्रिपिटल फोर्स, ये दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. आइएगा, हमने आगे पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. जब वन साइकिल कंप्लीट हुआ था तो डिस्टेंस 2π आ रहा था, टाइम कैपिटल टी था. उसके बाद आपने और हमने ये सीखा था कि अगर एंगल ओमेगा थीटा बाय टी होता है, वन साइकिल कंप्लीट होता है तो थीटा 2π होता है, और टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इसे टी लिखा जाता है. अब इस इक्वेशन में आप और हम ये देख सकते हैं कि अगर 2π बाय टी में आर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर डिवाइड कर दिया जाए, तो 2π आर बाय टी को अभी हमने क्या लिखा, देखो 2π आर बाय टी को हमने अभी लिखा स्पीड, तो ये लिखा v बाय आर आपके पास आ चुका है. उसके बाद हमने डेरिवेशन पूरा किया कि x एक्सेस ये x डैश एक्सेस, ये y एक्सेस ये y डैश एक्सेस, कोई पॉइंट p है, थीटा एंगल सबस्टेंड कर रहा है, थीटा को ओमेगा t से कन्वर्ट किया और पार्टिकल के कोऑर्डिनेट निकाले. भाई ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय t था, तो थीटा ओमेगा t आया, r cos थीटा, r sin थीटा जो आपके सामने भी निकाला, थीटा को ओमेगा t में एक्सप्रेस किया. अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr बाय dt, ये देखो वेलोसिटी आई, r डिफरेंशिएट किया और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन आया जिसकी डायरेक्शन माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर वेक्टर आई. ये होने के बाद एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर लिखा जा सकता है, मॉडिफाई करने पे से ओमेगा वी भी लिखा जा सकता है. और अभी मैंने डिस्कस किया था सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर. तो अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन किसके कारण है, एक्सेलरेशन फोर्स के कारण है. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां पर है, तो वो टुवर्ड द सेंटर है, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां पर है, वो भी टुवर्ड द सेंटर है. तो इसलिए हमने ma माइनस m ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर इस तरह से लिखा, इसे सेंट्रिपिटल फोर्स कहा. अब देखिए कोनिकल पेंडुलम नाम का टॉपिक इसी का एक एप्लीकेशन है, उसी टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं. आइए पहले कोनिकल पेंडुलम को बोर्ड पर समझते हैं और उसके बाद फिर हम इसका समराइजेशन टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में करते हैं. देखिए कोनिकल पेंडुलम टॉपिक जो है, कोनिकल पेंडुलम ये होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. देखो एम मास के ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दो, यहां से कट कर दो डोरी से लगा के, तो नीचे जाएगा एम जी के कारण. और अगर लगा हुआ होता तो रुका हुआ होता, मतलब अगर रुका हुआ होता, अगर नीचे एम जी लग रहा होता तो आप जानते डोरी में टेंशन डेवलप हो जाता. मान लो थ्रेड ऐसा होता था, एम मास को अटैच कर देते तो ऐसा खींचता, ये खींचता तो ये ऊपर जाता, तो टेंशन इक्वल टू एम जी नॉर्मल सिचुएशन में. अब आपने क्या किया, इसको पकड़ा, इसको यहां से थोड़ा सा टिल्ट किया थीटा एंगल पर, एम मास के ऑब्जेक्ट को पकड़ने के बाद आपने इसको ऐसा घुमा दिया, ऐसा पकड़ा और ऐसा पकड़ के घुमा दिया, ठीक है ना. घुमाने पर ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया. अच्छा जब ऐसा गया, समझना ध्यान से, वापस इस बात को देखना, एम मास को जैसे घुमाया वो ऐसा घुमा, ये ऐसा घूमकर यहां पर पहुंचा. एम मास का ऑब्जेक्ट है एमजी डाउनवर्ड, ठीक है ना. अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स mg, यहां पर टेंशन इस तरफ, mg इस तरफ बराबर, यह एंगल थीटा, डोरी में टेंशन इस तरफ, डोरी में टेंशन इस तरफ. अब टेंशन इस तरफ है, यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, यह एंगल थीटा है तो इसका बनने वाला एंगल थीटा होगा. अच्छा यह एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा. अब यह थीटा है तो समझना ध्यान से, यह टेंशन, यह mg और यह बनने वाला एंगल थीटा. अच्छा यहां टेंशन ऐसा होने का मतलब क्या हुआ, ऐसा होने का मतलब हुआ एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये टेंशन टोटल हो गया, ये एमजी आपके पास, ये वाई में ये एक्स में, मतलब
हम इसको हटा के दोनों लगा सकते हैं भाई, इसको हटा सकते हैं और ये दोनों लगा सकते हैं, ये थीटा। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, ये हाइपोटेनियस थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बचा हुआ बेस। तो आइए, कॉस थीटा कितना हुआ, कॉस थीटा हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है टी वाई, हाइपोटेनियस है टी, तो टी वाई आ गया आपके पास में टी कॉस थीटा। अच्छा साइन थीटा कितना हुआ, साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है तो टी एक्स, हाइपोटेनियस टी है, तो टी एक्स आपके पास आ गया टी साइन थीटा। तो एक आ गया टी टी वाई और एक आ गया टी एक्स, बराबर। मतलब आप डायग्राम ऐसा बना सकते हो कि भाई एम जी ऐसा ही रहने दो, इसको हटा के दोनों लगा दीजिए, इसको हटा के दोनों लगाए, टी वाई कितना लगाया, टी वाई लगाया टी कॉस थीटा और ये लगाया टी साइन थीटा। अच्छा इससे पहले कई बार वेक्टर के लेक्चर में समझा चुका हूं कि भाई मान लो ये फोर्स है 10 न्यूटन का, इसकी डायरेक्शन राइट है, इस फोर्स को मैं पैरेलल शिफ्ट करता हूं ऐसा वापस से, फिर से 10 न्यूटन, डायरेक्शन राइट है, वापस पैरेलल शिफ्ट करता हूं 10 न्यूटन, डायरेक्शन राइट है। जब भी फोर्स को पैरेलल शिफ्ट किया जाता है, अभी भी 10 था, अभी भी 10 है, अभी भी 10 है, डायरेक्शन राइट है, राइट है, राइट है। जब भी फोर्स को पैरेलल शिफ्ट किया जाता है तो पैरेलल शिफ्ट करने पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये टी साइन थीटा मैं शिफ्ट करके यहां पे ले आता हूं, टी साइन थीटा मैं शिफ्ट करके यहां पे ले आता हूं, तो टी साइन थीटा ऐसा हो जाएगा, बराबर है। तो अब आइए थोड़ा समझते हैं इस डायग्राम को, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाया, ये ऐसा गया, यहां से mg आपके पास में, ये टेंशन, ये टेंशन का एक कंपोनेंट जिसे हमने बोला t cos थीटा, और ये कंपोनेंट t sin थीटा जो आपके सामने बताया गया। बोलिएगा कौन सा कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर आ रही है, कौन सा कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर आ रही है, बताइए कौन सा कंपोनेंट है, t sin थीटा, और कौन सा ऊपर है, t cos थीटा। ये याद रखना, जिंदगी में कितना भी मिला तुझे, तू कोसता ही रहता है ऊपर वाले को, ऊपर वाले को कोसता रहता है, कॉस कंपोनेंट ऊपर वाला कंपोनेंट, बस याद करने के लिए बता रहा हूं, ऊपर वाले को कोसता रहता है, ऊपर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा कंपोनेंट, अंदर वाला कंपोनेंट साइन थीटा कंपोनेंट, साइन अंदर कंपोनेंट साइन थीटा कंपोनेंट। अच्छा मैंने बोला था जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, अरे भाई जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उस फोर्स का नाम क्या था बोलो, उस फोर्स का नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स, उस फोर्स का नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां पर होती है, सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है, टुवर्ड द सेंटर टी साइन थीटा, टुवर्ड द सेंटर मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और टी कॉस थीटा देखो ये ऐसा डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर रहा है। अच्छा जब ये केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर रहा है तो वर्टिकली ऊपर नीचे जा रहा है क्या, आपने ऐसा पकड़ा घुमा कैसा रख दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर रहा है तो वर्टिकली ऊपर नीचे जा रहा है क्या, तो आप जानते हैं वर्टिकली ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, मतलब जितना फोर्स अपवर्ड है उतना ही फोर्स डाउनवर्ड है भाई, जितना फोर्स अपवर्ड है उतना ही फोर्स डाउनवर्ड है। अब अपवर्ड कितना है टी कॉस थीटा, डाउनवर्ड कितना है एम जी, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड डिवाइड कर दो दोनों को, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, देखो डिवाइड कर दिया, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, ये आ गया एम बी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, एम से एम कैंसल वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो टेन थीटा आपके पास आ चुका है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, बराबर है। टेन थीटा कितना आ गया आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। हमें निकालना क्या है, हमें टाइम पीरियड निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए भाई, हमने कहा टाइम पीरियड अगर निकालना है तो जब पार्टिकल वन साइकिल कंप्लीट करता है तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल टाइम पीरियड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 2πr, यहां से निकला यहां पहुंचा, यहां से निकला यहां पहुंचा 2πr अपॉन t, तो v स्क्वायर कर देना है, तो tan थीटा कितना आ गया 1 अपॉन rg, v स्क्वायर कर दिया मतलब 4πr स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन कितना t स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल, t स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4πr स्क्वायर और एक r कैंसिल हो चुका है अपॉन g tan थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं ठीक है ना, तो टी स्क्वायर 4πr स्क्वायर आर अपॉन जी टेन थीटा, तो टी स्क्वायर को टी निकालना है मुझे, टी निकालने के लिए क्या किया, अंडर रूट 4πr स्क्वायर आर अपॉन कितना जी टेन थीटा, आइएगा 4 बाहर निकला तो 2 आ गया, पाई बाहर निकला आर आर अपॉन जी टेन थीटा आ चुका है। अब टेन थीटा निकाला जाए, कैसे निकाला जाएगा टेन थीटा देखिएगा ध्यान से,
यहां पर इस जगह पर डायग्राम में गौर करना, यहां से यहां तक मैं कहता हूं आर है, यहां से यहां तक मैं कहता हूं एच है, और यहां से यहां तक मैं कहता हूं एल है। वापस सुनिएगा, ये आर है, ये थीटा है, ये एल है, ये एच है। टेन थीटा क्या लिखा जा सकता है? आर बाय एच। तो आर क्या लिखा जा सकता है? टेन थीटा आर बाय एच लिख सकते हैं हम लोग। वी कैन राइट टेन थीटा आर बाय एच, या आर इक्वल टू एच टेन थीटा लिखा जा सकता है। टी इक्वल टू टू पाए, चेक करो यहां से, आर इक्वल टू एच टेन थीटा। तो एच टेन थीटा अपॉन जी टेन थीटा, इसे ऐसा पैसा लिख सकते हैं। टेन थीटा कैंसिल, टी इक्वल टू टू पाए अंडर रूट एच अपॉन जी। अच्छा, एच को क्या लिख सकते हैं? एच को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट अस मॉडिफाई एच समथिंग अदर देन दिस ऑल्सो। तो यहां पर टेन कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस बचा हुआ बेस, सो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एच को लिखा जा सकता है एल कॉस थीटा। तो आप टी को लिख सकते हैं टू पाए अंडर रूट एच अपॉन जी, टी इक्वल टू टू पाए अंडर रूट यहां से आ सकता है एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये आता है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वॉट, विच पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम। आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं टू पाए अंडर रूट एच अपॉन जी, चाहे तो लिख सकते हैं टू पाए अंडर रूट एल अपॉन एल कॉस थीटा अपॉन जी। अच्छा, जब कॉस थीटा, थीटा जब वेरी स्मॉल हो, थीटा टेंस टू जीरो हो, तो कॉस जीरो जो टेंस टू होता है वन, तब उस केस में टू पाए अंडर रूट एल बाय जी भी लिखा जा सकता है, ये जरूर ध्यान रखें। अब ये है टेंशन, ये क्या है बच्चों? टेंशन। और ये जो यहां पर है, ये है टाइम पीरियड। दोनों में अंतर ध्यान सुनना, एक है टेंशन और एक है टाइम पीरियड। मैं इसे टी डैश बता देता हूं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो टी डैश टाइम पीरियड और वहां पे था वो टेंशन। यहां से आप चाहे तो टेंशन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंशन ऑल्सो। हाउ? यू कैन सी, ये आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है लेकिन समझ लीजिए, कई बार पूछा चला जाता है। दोनों को स्क्वायर कर दो, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो यह आ गया टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह आ गया एम बी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया एम जी का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद अंदर बसता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। और अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया गौर कीजिएगा, अभी हमारा डिस्कशन हुआ टेन थीटा कितना था? टेन थीटा था वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अभी हम लोगों ने निकाला टेन थीटा है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो हम लिख सकते हैं जी टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां पर टी स्क्वायर इक्वेशन में चेक करो क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ऐसा लिखा जा सकता है। आइए अब क्या फर्क पड़ेगा, अब आप और हम लिख पाएंगे टी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर को लिख दिया एम जी टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। टी स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल गया, एम जी का स्क्वायर अंदर बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो टेंशन एम जी अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, टेंशन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा? सेक थीटा आ जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू जो आएगी एम जी सेक थीटा, जिसे हम एम जी अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो टेंशन की वैल्यू आप चाहें तो लिख सकते हैं एम जी अपॉन अंडर रूट, या एम जी हाँ लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं यहां से? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो परपेंडिकुलर कितना है? आर है। हाइपोटेनियस कितना है? एल है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा तो ये लिख सकते हैं आप टेंशन की वैल्यू, दैट इज एम जी अपॉन अंडर रूट वन माइनस आर बाय एल का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एम जी एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये टेंशन के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोनिकल पेंडुलम समझने के बाद हम कोनिकल पेंडुलम के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका एग्जांपल 3.8 और एग्जांपल 3.9। अब देखो क्या बोला गया इसमें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स इन यूनिफॉर्मली अलोंग द सर्कुलर ऑर्बिट विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। मास दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, स्पीड दे रखी है, रेडियस निकालना सर्कल की। तो सिंपल सा तरीका है, मास गिवन है v इक्वल टू आर इन टू ओमेगा, से आप क्या निकाल सकते हो यहां पर v इक्वल टू आर इन टू ओमेगा से r निकल गया 25/5 5 मीटर। अब सेंट्रिपिटल फोर्स निकालना है, मान लो क्या पूछा गया, कैलकुलेट सेंट्रिपिटल फोर्स,
रेडियस ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स, आर निकला, सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा मास हमें निकालना है कि मिला हुआ है, तो मास गिवन है, हमें ग्राम गिवन था तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, आर हमें मिल गया 25 डिवाइड बाय आर कर लिया, तो सॉल्व करने पे 6.25 न्यूटन आता है आंसर। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन 3.9, एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इज गिवन बाय 20 आई कैप प्लस 35 जे कैप किलोमीटर पर सेकंड। भाई हॉरिजॉन्टल सर्कल बोला है, आफ्टर 1 मिनट द वेलोसिटी बिकम्स -20 आई कैप -35 जे कैप, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल सर्कल बोला है मतलब कोनिकल पेंडुलम में देखो क्या था, स्लैंट हाइट जो थी और ये जो मोशन कर रहा था, तो बेस था हॉरिजॉन्टल सर्कल और स्लैंट हाइट जो थी वो दोनों मिलकर कोन्स बना रहे थे, इसलिए इसे कोनिकल पेंडुलम कहा गया था। आइएगा यहां पर सबसे पहले वेलोसिटी गिवन है, उससे हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकल गया अंडर रूट। मैं स्पीड निकालने का तरीका कई बार क्लास में बता चुका हूं, मॉड लीजिए, मॉड निकालना है तो अंडर रूट लिखिए, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर 1625, इसका नियरली आंसर 40.35 आता है। अच्छा वेलोसिटी में देखो यहां पर एक बात नोटिस करना, 20 आई कैप प्लस 35 जे कैप दोनों पॉजिटिव थे, अब एक मिनट के बाद -20 आई कैप -35 जे कैप, मतलब आई माइनस आई हो गया जे माइनस जे हो गया। अरे भाई आई माइनस आई हो गया जे माइनस जे हो गया, मतलब वेलोसिटी रिवर्स हो गई, तो हम कह सकते हैं एक मिनट के अंदर इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई, एक मिनट के अंदर उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई, तो मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड 2 मिनट्स कैसे निकलेगा, ध्यान सुनिएगा भाई, पहले ऐसे घूम रहा था, मान लो ऐसे घूम रहा था बराबर, मान लो यहां से गया इस तरह से घूमता हुआ आगे गया, यहां से गया इस तरह से घूमता हुआ आगे गया, ये इस तरफ वन साइकिल कंप्लीट किया, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड बराबर। तो जब इधर से जा रहा था हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा था, हाफ कंप्लीट कर रहा था तब तक इधर की तरफ जा रहा था बराबर, ये बाहर आए देखो यहां से ऐसा आया, यहां से ऐसा आया मतलब यहां से बाहर आता हुआ, फिर यहां से इधर गया तो इधर अंदर जाता हुआ, तो बाहर आता हुआ और यहां पे अंदर जाता हुआ, तो बाहर आता हुआ और यहां पर अंदर जाता हुआ, बाहर मतलब प्लस ले लो अंदर मतलब माइनस है, तो आधा सर्कल कंप्लीट करेगा, तो हाफ साइकिल का टाइम 1 मिनट है, तो अगले हाफ साइकिल का टाइम 1 मिनट होगा, तो 1 मिनट प्लस 1 मिनट 2 मिनट होगा, तो टाइम पीरियड 2 मिनट आ गया है। और हमने देखा था स्पीड इक्वल टू, देखो ये आपके सामने कई बार डिस्कस कर चुका था, वी इक्वल टू देखो यहां पर वी इक्वल टू 2πr/t, वी इक्वल टू 2πr/t ये दे रखा है, तो वी इक्वल टू 2πr/t से टी इक्वल टू 2πr/v आएगा, तो आर आएगा ut/2π बराबर, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जब निकालनी हो तो वी स्क्वायर अपॉन आर लिखते हैं, v लिख दिया अपॉन आर लिख दिया, यू स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू लिख दी, तो ये आता है 2πu/t, 2πu/t, यू आ चुका है आपके पास में 40.3 और पाई की वैल्यू है 3.14। सॉल्व करते हैं, टू टाइम पीरियड 2 मिनट दे रखा था, मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, 2 मिनट 1 मिनट 60 सेकंड, तो देखो यहां पर 2 × 60 दे रखा है, इसको पूरा सॉल्व करते तो आंसर 2.11 आता है, ठीक है ना, 2.11 आता है आंसर। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव